तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं Google Pixel 7 Pro का फ्रीजर टेस्ट। तो ये फ़ोन वाटरप्रूफ है, तो वाटर टेस्ट का वीडियो तो हमने इसका बना लिया है, पर ऐसा लगा कि इसका एक फ्रीजर वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये रहा Google Pixel 7 Pro, लीजिए दोस्तों, पूरी वर्किंग कंडीशन में है। और कितने लोगों की यह भी कमेंट रहती है कि आप डमी फ़ोन है, ये है वो है, तो आप देख लीजिए, डमी फ़ोन पहले तो वाटरप्रूफ रहता ही नहीं। तो ये ओरिजिनली Google Pixel 7 Pro है। तो ये रहा वाटर का बॉक्स, और अभी हमने ये वाटर स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इसका वाटर टेस्ट वाला वीडियो हमारे मेन चैनल रमेश बकोत्रा में भी आ गया है, और रमेश बकोत्रा व्लॉग्स में भी आ जाएगा। और अभी इस फ़ोन को हम फ्रीजर में डालते हैं। तो एक बजा है, और अभी हम 3-4 घंटे बाद हमारे फ़ोन को निकालेंगे। तो ये हमने डोर ओपन कर दिया है, ये रहा बर्फ़ का कंपार्टमेंट, और यहाँ पर हम हमारे फ़ोन को रख देते हैं। और आप देख लीजिए कितना टाइम हुआ है पक्का फ़ोन में। तो 1:10 हुई है। तो अभी हमारे फ़ोन को हम लॉक कर रख देते हैं। तो ये हमारे फ़ोन को हमने रख दिया है, और अभी हम डोर क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हमारे फ़ोन को 3-4 घंटे बाद निकालेंगे, और देखेंगे कि हमारा फ़ोन डेड है कि वर्किंग कंडीशन में है, क्या है क्या नहीं। तो अभी मिलते हैं 3-4 घंटे बाद। तो अभी हमारे मोबाइल को फ्रीजर में रखे हुए 4 घंटे हो गए हैं, और हम देखते हैं हमारे मोबाइल की हालत क्या है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह बर्फ से जम गया है, और आप यहां पर भी देख सकते हैं। और हमारे फ़ोन को हम इसमें से बाहर निकालते हैं बॉक्स में से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का पूरी तरह बर्फ से कवर्स जैसा हो गया है, और अभी हम इसको निकालते हैं। तो अभी हम पानी स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा मोबाइल बर्फ़ में से बाहर निकलेगा दोस्तों। तो हमारा फ़ोन बर्फ़ में से बाहर निकल गया है, और अभी हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग हालत क्या है। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन पूरी तरह वर्किंग में है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है, और आप इसके कैमरे भी देख सकते हैं। नहीं तो कई बार कितने लोगों की कमेंट रहती है कि आप इसके कैमरे दिखा दीजिए। तो हमारा मोबाइल पूरी तरह वर्किंग है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और दोस्तों, कितने लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि वाटरप्रूफ मोबाइल हो उसमें वारंटी रहती है कि नहीं। तो दोस्तों, वाटरप्रूफ मोबाइल भले हो पर कंपनी इसकी वारंटी नहीं देती है, तो खास ध्यान रखें। और फ़ोन को वाटरप्रूफ आप तब भी समझिए कि आपने अगर नया फ़ोन लिया है, तो अगर आपने 2-3-4-5 पुराना फ़ोन लिया है तो उसको आप वाटरप्रूफ ना समझिए, क्योंकि सिवा कंपनी के कहीं पर भी ओपन हुआ होता है तो वो वाटरप्रूफ नहीं रहता है। और अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारी मेन चैनल रमेश बकोत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे रमेश बकोत्रा व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।